फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्लस वन का अकाउंट्स। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी क्या किया था, प्लस वन का अकाउंट्स ही किया था। उसमें हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हमने वो किया था। उसके अंदर हमने इसका मीनिंग समझा था कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स समझी थी कि क्या उसकी फीचर्स होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग्स के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था। अब जो है आज हमारी सेकंड वीडियो है, आज हम करने वाले हैं कि बुककीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन तीनों चीजों के बारे में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं बुककीपिंग के बीच में, अकाउंटिंग के बीच में, और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं बुककीपिंग से। बुककीपिंग क्या होती है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुककीपिंग क्या है, एक आर्ट है। किसकी आर्ट है, यानी आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, किस चीज की कला है। ऑफ रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड करने की कला है। किसको रिकॉर्ड करने की, बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस की जितनी भी डीलिंग्स होती है उसको रिकॉर्ड करने की एक कला है इन अ सेट ऑफ बुक्स। कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है, ये बुक्स के अंदर। ठीक है, तो बुककीपिंग के अंदर सिंपल सा है, बुककीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड कर लेना अपनी जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझाओ तो उसमें ये बताया गया था, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, किसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर्स की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि ये आइडेंटिफाइंग से लेके जो भी हमारा क्लासिफाइंग तक का काम होता है, यहां तक इसके अंदर आता है बुककीपिंग के अंदर। और जो से नेक्स्ट का जो काम है, समराइज करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसको कम्युनिकेट करना, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाई करना जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की मतलब कि जो कि जिसको हम मनी के अंदर जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है जो जितनी भी हमने आइडेंटिफाई करी होती है आइटम्स। ठीक है, जो कि मनी की टर्म्स पे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो भी हमने आइडेंटिफाई करी है ट्रांजेक्शन्स उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जो एक जैसी इंफॉर्मेशन है उसको एक ग्रुप में और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे ग्रुप में। ठीक है, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं कहां पे, लेजर में। तो यहां तक आइडेंटिफाइंग से लेके क्लासिफाइंग तक का काम कहां तक आता है, बुककीपिंग के अंदर। तो बुककीपिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम बिजनेस डीलिंग्स को एक बुक्स के सेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब जो सेकंड है वो क्या है, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है, जहां पे हमारी बुककीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुककीपिंग एंड्स। ठीक है, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां पे बुककीपिंग खत्म होती है। तो यानी कि उसके बाद का जो काम है, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। ठीक है, इसके अंदर यही सारे काम होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन में अकाउंटिंग की, कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर देन उसको समराइज किया जाता है। तो ये सारे काम जो है इसके अंदर आते हैं, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट वगैरह। तो समराइज किया जाता है, जो भी हमने क्लासिफाई करी होती है ये वाली जो ट्रांजेक्शन है जो भी है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म वगैरह में लिख लेते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिखना कि जो दूसरों को समझ में आ जाए और अच्छी भी लगे। नेक्स्ट है, एनालाइज किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ से रिजल्ट निकलते हैं उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीख लिया कि बुककीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। अभी हम सीखेंगे कि अकाउंटेंसी का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम अकाउंटेंसी को सीखने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है। ये भी बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक, इसके अंदर क्या है कि सिस्टमेटिक नॉलेज है किसकी,
किसकी सिस्टमेटिक नॉलेज है? अकाउंटिंग की, यानी कि इसके अंदर अकाउंटिंग की पूरी सिस्टमेटिक नॉलेज है, पूरा सिस्टम से काम जो चलता है। कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, और इसके अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स हैं और वो सारी टेक्निक्स हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी फीचर्स में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और एज वेल एज साइंस, कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो इसके अंदर कुछ सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसके अंदर वो सारी अकाउंटेंसी के अंदर वो सारे प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर अप्लाई होते हैं। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये क्या बताती है अकाउंटेंसी कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किस तरीके से बनाने चाहिए, ठीक है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और किस तरीके से उसको समराइज करना चाहिए, यानी कि समरी में किस तरीके से बांटना चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए। एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और किस तरीके से भाई हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक कम्युनिकेट करनी चाहिए जो कि हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, और भी क्रेडिटर्स वगैरह हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें कैसे बनानी चाहिए, किस तरीके से लोगों तक इन्फॉर्मेशन हमें बतानी चाहिए, और जो समराइज जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो किस तरीके से करना चाहिए। और इसके अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स भी होते हैं। तो आज के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो जो है हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।